एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आलिया भट्ट से रिलेटेड इस आरोप पर पलटवार किया कि उन्होंने आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने इसे एक पिटी थॉट कहा और पूछा कि क्या उनकी आवाज को सिर्फ इसलिए चुप करा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए हानिकारक हो सकती है। दरअसल कंगना ने आलिया के फिल्म पर बनने वाले छोटे बच्चों के रील्स पर सवाल उठाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की हाल ही में फिल्म घेराया रिलीज हुई। ऐसे में दीपिका अपनी फिल्म के प्रमोशन का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अंडरवाटर फोटोशूट कराया। दीपिका को देखकर दूसरी लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी अंडरवाटर फोटोशूट कराया। हालांकि इन स्टार्स का ये हॉट फोटोशूट लोगों को रास नहीं आया और लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। अनुष्का शर्मा लंबे गैप के बाद स्क्रीन पर फिर से छा जाने को पूरी तरह से तैयार है। अनुष्का अपनी अगली फिल्म छकड़ा एक्सप्रेस इंडियन महिला क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी के रोल के लिए जमकर तैयारी कर रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। इन तस्वीरों में वो कोच से ट्रेनिंग लेते दिख रही है। मिल पिक्स देख फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। सनी लियोनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि किसी ने उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर 2000 रुपए का लोन ले लिया है। एक्ट्रेस के इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों में कई यूजर्स ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत की। बता दें कि एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी, हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर की मेहंदी में रिया चक्रवर्ती ने छत पर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। डाले उस वीडियो पर एक नजर। आज खिलाड़ी कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को हिट मशीन कहा जाता है। ऐसे में जनता ने भी उनके इस ट्रेलर पर किया है रिएक्ट। क्या कहना है उनका, आप खुद ही डाले एक नजर। आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस दौरान आलिया भी वहां पर मौजूद थी। ऐसे में आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जिनमें वो बाथ टब में लेटी हुई नजर आ रही है। डालिए उन पर एक नजर। विक्रांत मैसी शीतल ठाकुर के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं। उनकी हल्दी सेरेमनी का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विक्रांत और शीतल प्रियंका चोपड़ा के गाने देसी गर्ल पर डांस करते दिख रहे हैं। डालिए वीडियो पर एक नजर। दीपिका और सिद्धांत चतुर्वेदी अपने अपने तरीके से अपनी फिल्म घेराया का प्रमोशन करते दिख रहे हैं। दीपिका का दिखा स्टाइलिश अवतार तो वही सिद्धांत ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया डांस। डालिए दोनों के इस वीडियो पर एक नजर। दीपिका पादुकोण अपने पिता प्रकाश पादुकोण की बायोपिक बना रही है जिसमें वो खुद भी एक्टिंग करने वाली है। वेल, ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज है। इस फिल्म के बारे में दीपिका ने कई बातें भी शेयर की। उन्होंने इस बात को कंफर्म करते हुए बताया कि वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगी।